आज हम उबले हुए आलू की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही खाने में चटपटी, खस्ता और गुरुआ बनेगा। उसके लिए हमने आलू ले लिया है। आलू का छिलका अलग कर लेंगे। आलू का छिलका अलग करने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ अग्रंसी। हमारे अग्रसेन रसोई में आप सबका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरी रेसिपी कैसे लगी आप लोगों को। तो ये देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। तो सबसे पहले हम आलू के छिलके को अलग कर लेते हैं। आलू का छिलका हमने अलग कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। हरी धनिया का तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है, आप लोग जानते ही हैं, सबको पता है। साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटे चम्मच के बराबर हींग हमने लिया है और एक चम्मच के बराबर हमने मसाला लिया है, सब्ज़ी मसाला है। अगर आपके पास गर्म मसाला हो या छोले मसाला हो दे सकते हैं, नहीं है तो सब्ज़ी मसाला ले लीजिएगा, ऑप्शनल है। साथ ही हम इसमें अपने पसंद के अकॉर्डिंग में, अपने स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। नमक हमने ले लिया है। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। आप चाहे से हाथों से बारीक कर लीजिए या फिर कोई और चीज़ ले लीजिए, उससे आलू बारीक कर सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर लेंगे ना, अच्छे से बारीक हो जाएगा। वैसे हाथ से ही अच्छे से हो जाता है तो हम ज़्यादा हाथ ही यूज करते हैं, अपना स्पून या फिर कद्दूकस बहुत कम ही यूज करते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा जल्दी ये लगता है हाथों से बनाना। फाइनली ये देख लीजिए अच्छे से मिक्स हो के, आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने अनुसार नमक ले सकते हैं। थोड़ी सी स्पाइसी रखने के लिए लाल मिर्च पाउडर या फिर हरी मिर्च भी कट करके ले सकते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा खटाई का पाउडर ऐड कर देंगे एक चम्मच के बराबर। थोड़ा सा खटलेस रहेगा ना तो खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। इसमें थोड़ा सा एक चम्मच के बराबर हम इसमें ऐड कर लेंगे। फाइनली हमने अपने अंदाज से एक चम्मच के बराबर दे लिया है। आप चाहे तो चम्मच से भी नाप सकते हैं। इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए अच्छे से हो गया मिक्स। अब इसको कर देते हैं साइड में। हमने लिया है मैदा, आप इसे आटे में भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे में बना सकते हैं। हमने इसका कोई नाप तौल नहीं रखा है, ना ही हमने किसी बर्तन से नापा, ना ही किसी, ना ही हमने तौल में रखा है। पहले हमने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग में रख लिया है। अब इसमें मोइन के लिए चार बड़े चम्मच से हम मोइन लगाएंगे। मोइन अच्छे से लगाना है। थोड़ा सा अजवाइन पाउडर, सॉरी पाउडर नहीं है, अजवाइन ऐड कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा नमकीन रखने के लिए नमक ले लेंगे हम। अब इसको सब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। आप चाहे तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे मैंने कहा ना, मुझे हाथों से ही आसान इजी लगता है तो हम हाथों से ही मिक्स करते हैं। अच्छे से मोइन लगा लेंगे इसका। फाइनली मोइन अच्छे से लग गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंथ लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा ही थोड़ा ऐड करना है, नहीं तो गीला भी हो जाएगा। अगर गीला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा या आटा लेकर इसको पानी इसमें कर सकते हैं बराबर। फाइनली पानी कम है तो थोड़ा सा और पानी लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी रखना है, इकट्ठा पानी नहीं रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो लोग खरीद के लाते हैं बराबर मात्रा में तो मिलता ही उनको है, पता चले इकट्ठा पानी ऐड कर लिए, गीला हो गया, फिर से लाना पड़ गया उनको। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना, जिससे गीला भी ना हो, अच्छे से गूंथ भी लें आटा। ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी का छींटा और लगाना है इसमें। ऐसे तो ये अच्छे से गूंथ लिया है, पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी इससे। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छींटा देंगे पानी का और बढ़िया से इसका आटा लगा लेंगे। आटा अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए गीला भी नहीं हुआ, हाथ में भी नहीं लगा, इसका मतलब मोइन हमने अच्छे से लगाया है। तो अब हम इसको साइड में कर देते हैं। अब हम लोई लेंगे, लोई में से आधा आटा निकालेंगे और आधा साइड में रख देंगे। ये देखिए इतना ही लेंगे। अब इतने में हमें दो तीन लोइयाँ तैयार करनी हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, कम ज़्यादा छोटा बड़ा आप अपने इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। वैसे ये भी ज़्यादा ही बनने वाला है, ये देख लीजिए। अब इसको भी हम कर देंगे साइड। एक ही टुकड़ा हम लेंगे, इसका बनाएंगे पेड़ा।
फाइनली पेड़ा बन गया है। अब हम इसको बेलेंगे। बेलने के साथ साथ हम आप लोगों का सस्पेंस भी जो है उसका दूर कर देती हूँ। हम एक छोटी सी पूड़ी तैयार कर लिए हैं। अब इसके चारों तरफ हम लगाएंगे पानी। पानी हमने लगा लिया है। अब लेंगे छोटा सा आलू, थोड़ा सा लेना है। इसको हाथों से ऐसे करते हुए पहले ऐसे कर लेंगे, उसके बाद दूसरी हथेली पर रखेंगे और हल्के हाथों से इसे दबा देंगे चारों तरफ से। इसको एक शेप दे देंगे चौकोर का। तो ये देखिए, इसको एक चौकोर का शेप देंगे। तो ये देखिए, दोनों हाथों से हल्को से ऐसे दबा देना है हल्के हाथों से। ये देखिए तैयार हो गया ना चौकोर शेप में। अब इसको बीच सेंटर पर रखेंगे। बीच सेंटर पर रखने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और इधर से भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कवर हो गया ना दोनों तरफ से। फिर से हम यहाँ लगाएंगे पानी। इसको यहाँ हल्का से दबा देंगे, इधर भी और इधर भी दबा देंगे। दोनों तरफ से दबा कर इसको यहाँ पर पानी लगाएंगे और यहाँ पर भी पानी लगाएंगे और इसको लाकर यहाँ ऐसे इधर फोल्ड कर देंगे और इसको भी ले जाकर इधर ही फोल्ड कर देंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सेफ तैयार हुआ है। अब हम ऐसे ही सारे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए चारों तरफ से कवर हो गया है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ऐसे दूसरी भी लोइयां हम तैयार कर लेते हैं। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ बेल के, अगर आपको थोड़ा डाउट है तो। ये देखिए मैं आपके सामने बेल रही हूँ, अब आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जैसे आप पूड़ियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसको तैयार करेंगे। ये देखिए ना, बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, नहीं बहुत ज़्यादा पतला रखना है। ये देखिए बेलिया टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्के इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा अभी, उसी में सारा बैलेंस में आ जाएगा। ये देखिए फिर से हम आलू लेंगे, जैसे भी हमने बताया ना सेफ देंगे, उसे लेंगे हाथों में ऐसे करते हुए दूसरे हथेली पर रखेंगे और इसे हल्के हाथों से ऐसे दबा देना है। ये देखिए जितना बड़ा आप सेफ रखेंगे ना, उतना बड़ा आपका ये समोसा यानी ये जो बना रहे हैं रेसिपी तैयार होगा। आप इसे लौंग लता समोसा भी बोल सकते हैं, या आप अपनी भाषा में इसे जो बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इसे अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं। वैसे तो हम इसे लौंग लता समोसा बोलेंगे, और आप अपनी भाषा में जो बोलेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखिए लौंग लता समोसा हमारा रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। फाइनली तेल गरम हो गया है, अब इसको हम ऐड करते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर तो पक ही जाएंगे पर अंदर कच्चे रह जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, जिससे बढ़िया सा सुनहरा कलर इसका आए। तो ये देखिए जितना तेल है ना, तेल के अंदर ही अंदर हमें ऐड करना है, बाहर नहीं। ये देखिए सारे हमने एडजस्ट कर दिए हैं। एक तरफ पक गया तो इसको हम पलट देंगे, दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तभी बढ़िया से इसका कलर आएगा। ये देखिए फाइनली दोनों तरफ से पक गया है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए इतना बढ़िया कलर आया इसका ना। अब इसको एक बर्तन में कर देते हैं ट्रांसफ़र। ये देखिए फाइनली हमारा रेडी हो गया है लौंग लता समोसा। अब आप इससे हरी मिर्च से भी खा सकते हैं, मीठी चटनी हो या फिर तीखी चटनी चिली सॉस से खा सकते हैं, या मोमोज की चटनी हो उससे भी खाएंगे ना, बहुत ही बड़े इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए आज के वीडियो चलते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। अब तक आप लोग अपना ख्याल रखना और अपने घर वाले के लिए जरूर बनाना, क्योंकि बहुत ही यूनिक लग रहा है दिखने में, बहुत ही नया दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।